बता दें कि कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद से हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को कोरोना नियम के साथ खोल दिया गया है। वहीं कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल 23 जुलाई से खुलेंगे। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के सक्रिय होने के बाद से स्कूल बंद किए गए थे। स्कूल में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया गया है। स्कूलों में बच्चों को निश्चित दूरी पर बैठाया गया है। पहले दिन छात्रों ने मास्क लगाकर रखा। इसके साथ थर्मल स्कैनिंग के बाद स्कूल में एंट्री दी गई। 6 जगह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें स्कूलों में छात्रों के आने से रौनक लौट आई है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक ही इन बच्चों को स्कूल में एंट्री दी गई है। स्कूल की क्लासेस में बैठाया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, तमाम जो कोरोना की गाइडलाइंस है वो इन बच्चों से पालन करवाई जा रही है। फिलहाल 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, महम, गुरुग्राम, तोशाम और जुलाना से, जहां आज स्कूलों के अंदर बच्चे पहुंचे हैं और स्कूल प्रशासन की तरफ से तमाम जो कोरोना की गाइडलाइंस है वो पालन की जा रही हैं। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जा रही है। सभी बच्चों को मास्क अनिवार्य किया गया है और एक निश्चित दूरी के साथ में बच्चों को बैठाया गया है। इसके अनुसार जो क्लासेज हैं वो भी डिवाइड की गई है, दूरी के हिसाब से बच्चों को बैठाया गया है। एक सीट छोड़कर एक सीट बच्चों को बैठाया जा रहा है और इसके साथ ही जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका पालन भी करवाया जा रहा है। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 जिलों की तस्वीरें, महम, गुरुग्राम, तोशाम, जुलाना की, जहां बच्चे आज स्कूल पहुंचे हैं। स्कूल में रौनक लौट आई है। 9वीं से 12वीं तक के ये स्कूल खोले गए हैं तमाम कोरोना की गाइडलाइंस के साथ। लंबे अंतराल के बाद स्कूलों की रौनक वापस लौटी है। तमाम कोविड नियमों के तहत बच्चों को स्कूल में एंट्री दी गई है। बसों से उतरने से लेकर असेंबली तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सबसे पहले बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, सैनिटाइज कराया जा रहा है, जिसके तहत कहीं ना कहीं जो एक सेफ्टी को लेकर टेंशन थी कि तीसरी वेव की बात की जा रही है, तीसरी वेव में जब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये बताया जा रहा है, जो जानकार हैं वो ये कह रहे थे कि बच्चे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। लेकिन आज जो स्कूलों में व्यवस्था है, बेहतरीन व्यवस्था देखी गई थी। हालांकि पहला दिन था और इस पहले दिन में बहुत कम छात्रों की संख्या रही क्लास में। 9वीं से 12वीं तक के क्लासों को आज से शुरू किया गया है तमाम कोविड नियमों के तहत। देखिए, आज दो मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। एक तो स्कूलों को किस तरह से खोला गया है, क्या कुछ सुरक्षा के तहत कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा को लेकर जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी उससे भी आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे संभव नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निजी स्कूल के संचालक प्रदीप कौशिक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे सर, कोविड नियमों के तहत लंबे अंतराल के बाद स्कूलों की रौनक लौटी है? देखो, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि स्कूल संचालक होने के नाते स्कूलों में घंटियां दोबारा बजी हैं, वह उत्साह दोबारा आया है। और इन सारी चीज़ों से सबसे बड़ी बात तो ये थी, जो हमारी पौध है, जो बच्चे हैं, उनको अब फिर से दोबारा से ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी, जो बच्चा लगातार ऑनलाइन क्लासेज में सिर्फ नेट सर्फिंग तक सीमित रह गया था, अब उसको ये सारी चीज़ें करने को मिलेंगी। तो उसके बाद अब जैसे आप पूरे अपने विजुअल्स के थ्रू भी देखोगे कि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को अलग अलग डेस्क बेंच पे बैठा के नीचे से थर्मल चेकिंग से लेके रूम के बाहर तक सैनिटाइजेशन करने तक, ट्रांसपोर्टेशन के सैनिटाइजेशन करने तक, वॉशरूम को अलग अलग डेजिग्नेटेड देने के साथ साथ अब पढ़ाई के असली मजे बच्चों को फील होंगे। सर, देखिए, परिवार के सहमति पत्र के बाद एंट्री दी जा रही है। परिवारों का कैसा रुख है अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि तीसरी वेव की बात की जा रही है, बच्चों की सुरक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि काफ़ी पेरेंट्स ने कहा कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, लेकिन इस दौर के अंदर कैसे देखते हैं इस तैयारी को आप, कि कैसे परिजनों को मनाएंगे कि आपके बच्चे स्कूल में बेहद सेफ हैं? देखो, पेरेंट्स बहुत हद तक कंसर्न्ड है बच्चों की सेफ्टी को लेके, सिक्योरिटी को लेके।
कल जब स्कूल के लिए हमने नोटिस भेजे थे पिछले पूरे हफ्ते से, लगातार पूरे हफ्ते पेरेंट्स की विजिट थी, हमें बहुत अच्छा वेलकम स्टेप लगा और पेरेंट्स जीएवी के केस में तो बहुत अप्रिशिएट करके गए जो तैयारियां हमने कर रखी थी। अब सबसे बड़ी बात उनका कंसर्न था सहमति पत्र के बावजूद भी कि आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक जो सरकार कह रही है कि ऑनलाइन क्लासेज को ना छोड़ें, तो आप हमारे इंतजाम के थ्रू देख भी पाओगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन इकट्ठे चलाइए पैरेलल। इसका सबसे बड़ा फायदा क्लासेस के बाद भी बच्चों को ये होगा कि जो बच्चे आज स्कूल आए थे उनसे उनकी फीडबैक लेके, जो बच्चा थोड़ा डरा हुआ था पेरेंट्स वो उसको फीडबैक लेगा कि स्कूल के इंतजाम कैसे थे या आपकी पढ़ाई कैसी, तो उसके बाद नो डाउट डे बाई डे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और हम तो पिछले अनुभवों के आधार पर कमिटेड हैं कि बच्चों को सेफ्टी के साथ बहुत अच्छे जो हाई क्लास टीचर्स हैं, जो जैसे कहते हैं बेस्ट फैकल्टीज ऑफ द टाउन, उसके साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे देंगे। क्लासरूम में लेके चलेंगे और क्लासरूम से पहले हम आपको दिखाएंगे, देखिए सैनिटाइजर की बोतल यहाँ पे रखी है। 10वीं क्लास है ये, जहाँ पे टीचर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शिक्षा बच्चों को दे रही है। आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन ने ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा के ऊपर खासतौर पर सवाल उठाया था कि काफ़ी दिक्कतें पेश आएंगी। आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा दोनों एक तरीके से दी जा रही हैं बच्चों को, टीचर्स बच्चों को समझा रही है। हालांकि जो बच्चे हैं वो कम संख्या में पहुंचे हैं, तमाम बच्चों ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है, कोविड नियमों की पालना की जा रही है। टीचर्स से भी बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे ये दिक्कतें आ रही हैं और कैसे इन नौ निहालों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। मैडम आपसे 2 मिनट में बातचीत करना चाहूँगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे कि दोनों शिक्षा एक साथ देना मुमकिन नहीं है, बच्चों को हम उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। आप कैसे देखती हैं इसको कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा दोनों शिक्षा देने में आपको कितनी बड़ी परेशानी आ रही है? सर ऑनलाइन ऑफलाइन में मुझे लगता है ऑनलाइन में एज आई एम गोइंग टू कंपेयर द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो ऑफलाइन थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें बच्चे क्वेश्चनिंग ज़्यादा अच्छे समझ पाते हैं, पूछ पाते हैं। बट इफ़ आई एम गोइंग टू गो विद द ऑनलाइन तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते ही हैं। ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम कहा है कि दोनों, सरकार ने कहा है कि दोनों शिक्षा आप दें, लेकिन जो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं कैसे उनको सफ़र करना पड़ेगा, स्कूल नहीं आ रहे हैं? सर इनको कहीं ना कहीं इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। बच्चे के जितने अच्छे कॉन्सेप्ट स्कूल आकर के होते हैं आई डोंट थिंक सो कि उतने घर पे रह करके होते हैं, तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। बच्चों से बात करेंगे, बेटा कैसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? सान्या। क्या क्या कहेंगे बेटा, कितना सुरक्षित समझ रही हैं? कोविड चल रहा है, कोविड के हालांकि केसेस कम हुए हैं लेकिन आज लंबे अंतराल के बाद आप स्कूल पहुंची हैं, किस तरह से देखती हैं इस कदम को और क्या लगता है कि आपको स्कूल के अंदर जो आपकी सुरक्षा है वो बेहतरीन तरीके से की गई है? ये सर पूरी सेफ्टी के साथ स्कूल मतलब आए हैं, सैनिटाइजर सब है, फिर अच्छा है। क्या कहेंगी आपके जो बाकी साथी हैं, बाकी क्लासेस के साथी हैं, उन्हें स्कूल आना चाहिए, तमाम सुरक्षा आपके साथ जो इंतज़ाम किए जाने चाहिए थे वो स्कूल प्रबंधन की तरफ से किए गए हैं? ये सब आना चाहिए क्योंकि पूरी सेफ्टी है स्कूल में। तो लंबे अंतराल के बाद देखिए हालांकि जो संक्रमण कम हुआ था, मौत का आंकड़ा कम हुआ था, प्रदेश सरकार ने इसके बाद ये आदेश जारी किए थे कि स्कूलों को फिर से खोला जाए। हालांकि 16 तारीख से ये आदेश थे कि 9वीं से 12वीं तक की क्लास को शुरू किया जाए और इसके बाद 23 तारीख के बाद ये भी संभावना जताई जा रही है कि 6ठी से लेकर बाकी जो क्लासेस हैं उनको भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। हालांकि कोविड नियमों की पालना स्कूल प्रबंधन के लिए भी एक चुनौती ज़रूर है क्योंकि बच्चों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना या फिर यूं कहें कि तीसरी लहर से बच्चों को बचाना काफ़ी अहम हो जाता है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम।